व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राम खान एंड आई बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि YouTube चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके अंदर यूट्यूब को लेकर पैशन है, आप यूट्यूब पर कुछ करना चाहते हैं, तो आई एम डैम श्योर गाइस कि एक ना एक दिन आपके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर जरूर कंप्लीट होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मिलती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत दिन पहले से ही मालूम थी। लेकिन वीडियो मैंने इस टॉपिक पर इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, और जो चीज़ हमें मिली नहीं होती है गाइस, जिस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसके बारे में बताना थोड़ा सा और लगता है। तो मैंने तभी सोचा था गाइस कि जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं ये वीडियो शूट करूंगा। एंड फाइनली आप लोग के लव एंड सपोर्ट की वजह से 10,000 का माइलस्टोन हम लोगों ने अपने चैनल पर क्रॉस कर लिया है। एंड नाउ गाइज, मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हमें हमारे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट अप मिलना स्टार्ट हो जाता है। यूट्यूब की तरफ से हमारा चैनल थोड़ा सा बूस्ट होने लगता है। बूस्ट का मतलब ये नहीं गाइज कि आपके लाखों में मिलियंस में डेली व्यूज आने लगेंगे, यूट्यूब थोड़ा सा हमारे चैनल को पुश कर देता है, जिससे हमारे चैनल थोड़ा सा ग्रो होने लगता है। ये बात मैंने खुद ऑब्जर्व की है गाइज। एंड गाइज, मेरे जो सब्सक्राइबर्स काउंटिंग है वो भी पहले से थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। जिस स्पीड से मेरे पहले सब्सक्राइबर बढ़ा करते थे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद, अब वो स्पीड थोड़ी बढ़ गई है गाइस। अब मेरे सब्सक्राइबर पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये बात मैंने खुद ऑब्जर्व की गाइस। 10,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हमारी सब्सक्राइबर्स ग्रोथ पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। पॉइंट नंबर टू गाइज, स्टोरी टैब। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर हमें एक स्टोरी टैब का फीचर मिलता है, लेकिन यूट्यूब पर अगर आपको अपनी स्टोरी टैब इनेबल करना है, तो उसके लिए आपको एक माइलस्टोन क्रॉस करना पड़ता है, जो है 10,000 सब्सक्राइबर का। बहुत सारे क्रिएटर्स को 10,000 सब्सक्राइबर्स का इसीलिए वेट रहता है गाइज कि उनको जल्द से जल्द स्टोरी टैब मिले, जैसा कि मुझे वेट था। तो फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद हमें यूट्यूब की तरफ से स्टोरी टैब इनेबल कर दिया जाता है, जिसकी हेल्प से हम 15 सेकंड तक का कोई भी छोटा सा मैसेज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी फोटो शेयर कर सकते हैं, और अपने किसी भी प्रीवियस वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री गाइस, ज्वाइन बटन। जैसे कि आपको मालूम होगा गाइस, काफी सारे यूट्यूबर्स को ज्वाइन बटन मिला होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस टाइप से कुछ ज्वाइन बटन होता है। अगर आप इसको अपने चैनल पर इनेबल कर लें, तो ऑडियंस इसमें हिस्सा लेके आपको ज्वाइन कर सकती है, वो कुछ पे करेगी, उसका पैसा जो है वो आपको मिल जाएगा, और हर महीने कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहेगी। कुछ इसका फंड आएगा, इस पर अलग वीडियो बनाकर किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। तो 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद मुझे ज्वाइन बटन भी इनेबल हो गया है। वैसे तो ये फीचर्स गाइस 30,000 सब्सक्राइबर्स के बाद इनेबल होता है, लेकिन मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद इनेबल हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में इस पॉइंट को भी शामिल किया जाए। हो सकता है जब आपके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो, तो आपको भी ज्वाइन बटन इनेबल कर दिया जाए। पॉइंट नंबर फोर गाइस, कॉपीराइट मैच टूल। इस फीचर के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो पहले शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूट्यूब पर कोई भी पर्सन हमारी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड करता है, तो अगर हमें कॉपीराइट मैच टूल का फंक्शन मिला हुआ है, तो हमें वहीं पर एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस पर्सन ने हमारी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड किया है, और कितनी परसेंट उसने हमारी वीडियो को अपलोड किया है, पूरा अपलोड कर दिया है, 50% अपलोड किया है, या हमारी वीडियो में से थोड़ा सा क्लिप चुरा कर अपलोड किया है, वो सब हमें वहीं पर देखने के लिए मिल जाता है। आफ्टर दैट गाइस, हम कॉपीराइट मैच टूल में जाकर अगर चाहे तो उस पर्सन को वहीं से कॉपीराइट स्ट्राइक सेंड कर सकते हैं, या उसको मैसेज करके समझा सकते हैं कि हमारी जो वीडियो आपने यूज की है वो वापस कर लीजिए। हम उस पर्सन से बात कर सकते हैं और उसको स्ट्राइक भी भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है गाइस। आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी वीडियोस कौन कौन कॉपी करके यूट्यूब पर उसका मिसयूज कर रहा है, लेकिन जब आपको कॉपीराइट मैच टूल का फंक्शन मिल जाएगा, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से पर्सन ने आपकी अब तक कितनी वीडियोस कॉपी की हैं। तो ये भी एक बेस्ट फंक्शन है गाइस। आई होप आपको भी ये फंक्शन जल्द से जल्द इनेबल हो जाए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद ये सारे फीचर्स मुझे मिले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, बिकॉज यू आर द रीजन दैट आई हिट दिस माइलस्टोन। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूं गाइस, आज फिर बोलूंगा कि ये सब कुछ हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, तो मेरे चैनल पर 10,000 का माइलस्टोन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का गाइस। आई विश कि आप लोग के भी 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकें, ताकि आप भी इन सारे फीचर्स का मजा ले सकें। आप कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहें, या फिर आप मेरे को बताना चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। लव यू ऑल।